तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आप लोगों को थंबनेल में देख तो पता चल गया होगा मैं कौन से बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। तो हाँ गाइस, ये बाइक का वीडियो मतलब RC 390 का मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो ये टोटल RC सीरीज़ का ही बाइक है, मतलब RC 125, RC 200, RC 390 का। तो गाइस इस बाइक के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड जो अभी नए पिक्चर्स लॉन्च किए हैं यहाँ KTM ने वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, छोटा होगा तो इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब स्टार्ट। तो मतलब गाइस मैं जो मैंने जो बताने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ वो है कि मतलब आप लोगों ने मतलब जब RC 390 का मैंने लुक दिखाया था, नया लुक दिखाया था, तो वही लुक अभी आपको मिलने वाला है 125 RC 200 में। हाँ गाइस, मतलब अभी RC 125, RC 200 एंड RC 390 का तीनों बाइक का लुक KTM ने चेंज कर दिया है। एंड पहले आप इस RC 125, RC 200, RC 390 जो पिक्चर्स देख लो एंड कलर्स देख लो, फिर आपसे मिलते हैं, बाइक के बारे में बताते हैं एंड कब लॉन्च होगा सब कुछ। तो पहले आप पिक्चर्स देख लो। अगर आप लोगों ने मतलब RC 125, RC 200 एंड RC 390 का पिक्चर्स देख लिया होगा, तो अगर शायद मुझे लगता है शायद आपको ये नया लुक पसंद मतलब आ सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि मैंने मतलब मेरे यहाँ पर मेरे दोस्त लोग से बहुत पूछा, मतलब ये कुछ पिक्चर्स दिखाया नए लुक का, RC सीरीज का नए लुक का, तो बहुत सारे बंदों का ये न्यू लुक पसंद नहीं आता, पसंद नहीं है। एंड वो लोग वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाला ही लुक पसंद करते हैं। अब नया लुक जब लॉन्च कर दिया है तो मतलब कुछ कुछ लोगों का पसंद होगा, कुछ कुछ लोगों का पसंद नहीं होगा, तो ठीक है। तो गाइस ये RC 125 एंड RC 200 एंड RC 390 का जो मतलब न्यू है, जो न्यू लुक है, वो आपको इस या मतलब इस साल में मतलब लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी भी KTM शोरूम में वो पुराना वाला ही RC आता है, पुराना बाई वाला है आपको RC डिलीवरी करता है, लेकिन इस साल से मतलब इस साल के लास्ट मंथ में नवंबर दिसंबर तक आपको ये बाइक मिल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। गाइस आपको RC 390 में एंड RC 200 में Duke 390 की तरह मीटर मिलता है, एंड हेडलाइट आपको मिलता है हेलोजन, प्रोजेक्टर से हेलोजन कर दिया है। एंड RC 125 जो मीटर अभी मतलब KTM ने मतलब फाइनल नहीं किया कि मीटर कैसा होगा, लेकिन तीनों लुक ही मतलब हेडलाइट का लुक तीनों ही सेम है, एंड कलर्स का थोड़ा डिफरेंट है। एंड RC 390 का मतलब न्यू लुक में वो ऑरेंज एंड ब्लू का साथ कॉम्बिनेशन कलर वो मेरा सबसे फेवरेट है एंड बहुत अमेजिंग है। वो आप लोगों को पसंद आता हो मतलब आ सकता है, तो आप लोग मतलब देख लेना ठीक से। RC 125 में भी अगर Duke 390 की तरह मीटर दे दिया तो मतलब मार्केट में RC 125 का बाजार बहुत ही अच्छा होगा एंड प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। एंड गाइस मतलब ये तीनों RC में आपको मतलब पुराने RC की तरह हैंडल में जो परेशानी होती थी, मतलब
थोड़ा एग्रेसिव होकर चलाना पड़ता था, वो इस टिनो आरसी में नहीं होगा। मतलब R15 V4 की तरह ही हैंडल थोड़ा ऊपर कर दिया है, मतलब RS की तरह नहीं होगा लेकिन थोड़ा मतलब पहले से थोड़ा अच्छा होगा, यही अभी KTM ने बोला है। एंड पावर का तो पता नहीं है क्योंकि पावर अभी ठीक से नहीं बोला। हाँ लेकिन एक बात है, पावर थोड़ा कम सकता है, 390 में पावर बढ़ेगा लेकिन RC125 या RC200 में पावर थोड़ा घटेगा गाइस। तो अगर आपको ये RC पसंद आता है या पुराना RC पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय गाइस।